ब्लैकमेल कर यमुनानगर के कॉस्मेटिक व्यापारी से 2,30,000 रुपए मांगने के आरोप में CIA 2 की टीम ने पंजाब के जंडियाला से एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ने पहले कॉस्मेटिक व्यापारी से मोबाइल पर महिला की फोटो डाली और उसकी रिकॉर्डिंग कर वायरल करने की धमकी दी और 2,30,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। इस बात से परेशान होकर कॉस्मेटिक व्यापारी ने पुलिस में इसकी शिकायत दी, जिस पर CIA 2 ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है और निष्पक्ष जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी हरजोत सिंह 2019 में कॉस्मेटिक बनाने वाली एक कंपनी में तैनात था। वह यमुनानगर में शिकायतकर्ता यानी कारोबारी के पास आया जाया करता था। दोनों ने जान पहचान करते हुए मोबाइल नंबर साझा कर लिए और उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। इसी बीच आरोपी ने कॉस्मेटिक व्यापारी के मोबाइल पर कुछ महिलाओं की फोटो भेजी और उस नंबर पर कॉल कर महिलाओं से बातचीत करवाई और उस कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी और इसकी एवज में व्यापारी से 2,30,000 रुपए मांगे। मतलब उन्होंने ली गलबात हुई ही सारी फोन उत्ते ही, फोन चैट हुई थी मतलब हमारी आपस में। मैं लाओं का ये था कि उन्होंने बस लड़की की डिमांड करी थी, उन्होंने मतलब महिलाओं की मेरे से मतलब डिमांड करी, बाद में उन्होंने मतलब लड़की एक सेलेक्ट भी कर ली, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मतलब आ रहा हूँ होटल में आपके पास, बस यहीं से बातचीत शुरू हुई सारी। 9,000 मेरे को फिर रिफंड भी डाल दिए। तो उनकी फिर चैट हुई थी, मैंने उनको कहा कि मेरा लॉस हुआ है तो आप, वो बोले आपको और क्या चाहिए, मतलब उन्होंने मेरे को कहा चैटिंग में सारा। तो वो मैंने कहा कि मेरे को 2-3 आप और दे दो, बस यही बात। व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिस पर अब शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी हरजोत का कहना है कि पहले कॉस्मेटिक व्यापारी ने उससे बात की और इस तरह की महिलाओं को बुलाने की डिमांड भी की थी। व्यापारी ने दरख्वास्त दी थी सिटी थाना यमुनानगर में, उसके बाद उसमें पर्चा दर्ज होने के बाद तफ्तीश जो एसपी साहब महोदय ने हमारे को दी, जिसमें हमने तफ्तीश में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हरजोत सिंह वासी जंडियाला अमृतसर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसको आज पेश अदालत कर दिया और 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया ताकि अन्य जो उससे रिकवरी वगैरह करनी है।